महाभारत की ये बातें समझ गए तो कोई आपको हरा नहीं पाएगा। महाभारत से आप कई ऐसी बातें पा सकते हैं जिन्हें अपनाने से आपको कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। हिंदुओं के दो महाग्रंथ हैं रामायण और महाभारत। दोनों की कथाएं कई तरह की सीख देती हैं। दोनों ही में दी गई सीख और बातें आज के जीवन में भी बहुत ही सहायक हैं। महाभारत से आप कई ऐसी बातें पा सकते हैं जिन्हें अपनाने से आपको कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर एक, संघर्ष। महाभारत की कथा में एक बड़ा संदेश है जीवन में निरंतर संघर्ष का। इस कथा में पग पग पर संघर्ष दिखाया गया है। महाभारत में कथा की शुरुआत से अंत तक जीवन के संघर्ष को दर्शाया गया है। अंबिका और अम्बालिका का संघर्ष हो या फिर गंगा को पाने के लिए शांतनु संघर्ष का या इन दोनों के साथ के लिए भीष्म पितामह का संघर्ष, इस कथा की तो शुरुआत संघर्ष से हुई है। महाभारत कहती है कि जीवन में कभी भी चाहे परिस्थितियां कैसी ही क्यों न हो, संघर्ष से हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। निर्णय लेने से पहले महाभारत की कथा में यह देखने को खूब मिला कि मुख्य और अहम पात्र भी दूसरों की बातों से अपने निर्णय लेते या बदलते नजर आए। इससे एक बात की अहम सीख मिलती है, वह यह है कि अगर अपने निर्णय लेने में खुद सक्षम नहीं हो पाते और उनके लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं या दूसरों की सलाह की प्रतीक्षा करते हैं, तो हम अपने भविष्य या अपने साथ होने वाले किसी भी घटना को स्वयं नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात यह है कि अपने निर्णय अपने विवेक और संयम से लेना ही आपके हित में है। नंबर दो, खुद पर करें। महाभारत में एक सीख जो हमें मिली है वह यह है कि स्वयं पर यकीन करना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद पर, अपनी क्षमताओं पर, अपने निर्णयों और योग्यताओं पर यकीन नहीं करेंगे तो जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। धृतराष्ट्र ने जिस तरह गद्दी प्राप्त की, दुर्योधन ने जिन चतुराइयों से सत्ता पर राज करना चाहा, उनसे हमें यही सीख मिलती है। नंबर तीन, डर को करें दूर। जी हाँ, जिस मन में डर रहेगा वह स्वच्छंद होकर जी नहीं पाएगा। डर हमेशा नाश की और अंत की ओर ही अग्रसर करता है। अक्सर डर में हम ऐसे काम कम कर जाते हैं जिन पर बाद में बहुत पछतावा होता है। महाभारत के पात्रों में डर और उसके परिणामों को खूब देखा गया है। धृतराष्ट्र का गद्दी हाथ से जाने का डर, दुर्योधन का पांडवों से हार जाने का डर, कर्ण का अपने अपनों के ही विरुद्ध युद्ध का डर, इन सभी पात्रों के निर्णयों को प्रभावित करना करता हुआ दिखा है। इससे यह सीख मिलती है कि जब तक आपके मन में डर है आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे और यह आपके भविष्य को भी प्रभावित करेगा। धन्यवाद।